हाय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, आई एम रंजीत सर। टुडे वी आर स्टार्ट अगेन एक्सरसाइज 10A। ओके, दिस इज द 10 चैप्टर परसेंटेज एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। बिफोर इट वी हैव टू सॉल्व टिल टू द क्वेश्चन नंबर 8, सो वी आर स्टार्ट टुडे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सेज फाइंड द नंबर होज 13% इज 65। उस नंबर को हमको फाइंड करना है जिसका 13% 65 के इक्वल होता है। ठीक है ना, 65 के इक्वल होता है। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर बी एक्स, नंबर को हमने एक्स पुश कर दिया। ठीक, तो एक्स का 13% 65 के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर एक्स मल्टीप्लाई 13/100, एक्स का 13% इसके इक्वल है 65। ये कर लिया, एक्स इज इक्वल टू 65, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100/13, 13 5 था, एक्स इज इक्वल टू 500, मीन्स वो नंबर हमारा 500 है। ठीक, जिसका 13% 65 के इक्वल होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कह रहा है फाइंड द नंबर होज 6/1/4% इज 2। ठीक, सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, ये आप 9 को राइट कर लेंगे, फिर आप 10 को देखिएगा, 6/1/4 इज 2, वो जो है 2 के इक्वल होता है। ठीक, यहाँ पे भी लेट नंबर बी एक्स, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी वही करने के बजाय, तो ये देखिएगा 6/1/4% है ना, ये देखना है इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 6/1/4% इसको राइट कर सकते हैं 6/1/4 उस नंबर का 2 के इक्वल होता है। ठीक, 25/25/100 एक्स मल्टीप्लाई 1/16 इक्वल टू 2। अब देखो ये 2 इधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 × 16/1, अगर डिनोमिनेटर बन गया तो उसको राइट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो एक्स इज इक्वल टू 16 × 30, वो नंबर 32 है। ठीक, इसको ये कर दें। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11, इलेवन को देखिएगा। इलेवन है व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90 रुपीज 90। व्हाट अमाउंट इज, अमाउंट इज 10% मोर देन रुपीज 90। क्वेश्चन की मीनिंग ये है, वो क्या अमाउंट होगा, ठीक, जो 90 से 10% मोर हो। ठीक है बेटा, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन रुपीज 90। ठीक,
एक उस अमाउंट को हम टेक कर लेते हैं बेटा सॉल्यूशन लेट दैट अमाउंट बी एक्स, उस अमाउंट को हम एक्स टेक कर लेते हैं, एक्स का 10% ठीक है ना, 10% कितना होता है रुपीस 90, एक मिनट बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन की जो मैंने रहे तो चेंज है, ये कह रहा है व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन रुपीज 90, ठीक, वह क्या अमाउंट होगा जिसका 10% 90 से मोर होगा, ठीक है ना, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन रुपीज 90, ठीक है, तो फिर 90 और क्या कर लेते हैं उस अमाउंट को एक्स सपोज कर लिया, एक्स इक्वल टू 90 प्लस 90 का 10%, ठीक है बेटा, मोर देन पूछ रहा है वो अमाउंट पूछ रहा है कि, तो 10% इसका फाइंड कर लेते हैं, ठीक, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस और वही रुपीज है 90 रुपीज है, 90 का 10% फाइंड कर लेंगे, ठीक, तो वो जो है कि 10% ऑफ 90 आ जाएगा और वही उतना परसेंट ही हमको क्या दिखाना है मोर दिखाना है, तो इसका हम जो है 10% फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पे 90 ऐड कर देते हैं, मोर अमाउंट आपका 9 हो जाएगा और टोटल अमाउंट वो पूछ रहा है तो 99 हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन रुपीज 60, 20% ठीक लेस देन रुपीज 60, सेम वही क्वेश्चन, लेट दैट अमाउंट बी एक्स, एक्स हमने सब कुछ कर लिया, अभी यहाँ पे बेटा जो प्लस हो रहा था वहां पे आपका माइनस हो गया, रुपीज 60 है, 60 माइनस कर दो इसमें से, 60 का कितना परसेंट 20% उसका लेस हो रहा है ना, रुपीज 60 रुपीज 60 माइनस कितना हो जाएगा 60 का 12, 60 से कम सब चेक कर लेंगे 48 आ जाएगा,
अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है इफ 3% ऑफ एक्स इज 9, इफ 3% ऑफ एक्स इज 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर कोई नंबर एक्स है, एक्स का 3% 9 के इक्वल होता है तो वो वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पहले ये कह रहा है इफ 3% ऑफ एक्स इज 9, ओके 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा 3% मींस 3% का मतलब 3/100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई इनटू एक्स इज मींस इक्वल 9। किसी नंबर का 3% 9 के इक्वल होता है तो उस नंबर एक्स को फाइंड करना है, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई इधर जाकर रेशियो प्रॉपर हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3, 3 × 3 = 9, एक्स इज इक्वल टू 300। ओके बेटा ये आपका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, सेम इसी बेस पर है। 12.5% ऑफ एक्स इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये अभी आपका ये अभी एक क्वेश्चन था आपका कौन सा 13 था बेटा, हाँ यस अभी ये 13 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 को करने चल रहा हूँ, ठीक। इफ 12.5% ऑफ एक्स इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम प्रोसीजर वही रहेगा, 12.5% मींस अपॉन 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई एक्स इज मींस इक्वल 6, ठीक बेटा। अब ये जाएगा रेशियो प्रॉपर हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12.5। बेटा इसको हम राइट कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10, 10 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 125, ठीक। वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एट जाओ 1000 होता है, ठीक है ना। 8 × 6 = 48 वो नंबर है एक्स। ये बेटा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है 1% ऑफ 84 इज 14। 84 का कितना परसेंट 14 के इक्वल होगा। अब इसको देखिएगा, देखिएगा इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन।
let that person be us. ओके एक्स परसेंट यहाँ पे टेक कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद फाइंड कर लेते हैं 84 का एक्स परसेंट, 84 का एक्स परसेंट इसके इक्वल होगा 14, 84 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 40। इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं 84 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये रेशियो पकड़ उतर जाएगा बेटा, हो जाएगा 100 अपॉन 84, 14 से जब 84, अब इससे डिवाइड कर लेते हैं 2 3 6 2 5 15, एक्स इक्वल टू 50 अपॉन 3%। अब ये 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 होल टू अपॉन 3%, जब भी डिवाइड करेंगे इतना आएगा, नहीं तो ऐसे कर देखो 3 3 23 6 18, ठीक बचेगा 16 होल को ऊपर ये हो गया बेटा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, है बेटा तो हमने x परसेंट में आप इसको सपोज कर रखा है, तो देयरफॉर x परसेंट ऑफ 120, ठीक है ना, 120 का x परसेंट का मतलब x upon 100 इज इक्वल टू 50 रुपीज के इक्वल होता है। अब देखिएगा यहाँ पे इसका 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, यहीं पे छोड़ो। अब ये बेटा हो जाएगा, इसको हम यही डिवाइड कर सकते हैं 12 upon 10 into x इक्वल टू रुपीज सिंबल दोनों साइड से कैंसिल कर लेते हैं 15। अब ये हो जाएगा
इक्वल टू इधर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 15 इनटू 10 अपॉन 12 परसेंट ओके। अब देखिए ये हो जाएगा 2 6 जा 12 5 जा 10 ठीक 3 2 जा 6 3 5 जा 15 x is equal to 5 5 जा 25 upon 2 या तो ये राइट भी आओ या फिर गोल हो 1 1 चेक कर लेते हैं। जैसे पॉइंट में फाइंड करना है बेटा पॉइंट में आ रहा है आंसर तो पॉइंट में ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12.5% 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5% हो जाएगा। इसको कर दीजिए बेटा। अब सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकंड है सेकंड में क्या है कि 36 मिनट ऑफ 2 आवर्स 36 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स सेम वही कंडीशन करना है बेटा ठीक तो वही लेट कर लेंगे लेट परसेंट बी एस दैट परसेंट बी एस यस परसेंट उसको हमने सपोज कर लिया। तो पहले तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए तो इसको आवर को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंस 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट देयर फॉर 2 आवर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 60 मिनट इज इक्वल टू 120 मिनट आ गया बेटा। देयर फॉर अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन तो 120 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 36 मिनट इज इक्वल टू ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे परसेंट तो है ही हमारा ठीक। तो अब ये जो जोड़ 110 कैंसिल ठीक अभी रहने देते हैं इसको 12 अपॉन 10 हो गया इनटू एक्स कर देते हैं 36 एक्स इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 12 हो जाएगा 12 अंदर 12 12 थ्री जा 36 एक्स इक्वल टू 10 थ्री जा 30 ये बेटा 30% आ जाएगा ठीक। और अब यहाँ से देखिएगा बस बेटा यही देखना है कि हमको यूनिट को सेम रखना है। एक मैं और बता देता हूँ और बाकी मैं आपको जो है दे दूंगा होमवर्क वो आप करेंगे। फिफ्थ को देखिएगा इसके बाद फिफ्थ है बेटा फिफ्थ में कह रहा है 175 एमएल ऑफ 1 लीटर ठीक। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 एमएल होता है पता ठीक। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 एमएल ठीक ये हो जाएगा। देयरफॉर और लेट यहाँ पे कर लेते हैं लेट दैट परसेंट बी एस तो ये हो जाएगा 1 लीटर का x परसेंट 175 में मिल गई करो तो 1 लीटर की वैल्यू 1000 एमएल हो जाएगी x परसेंट कितने के इक्वल होता है 175 में मिल गई होता है ये डबल जीरो इस डबल जीरो पे कैंसिल x इज इक्वल टू 10 इधर जो है मल्टीप्लाई होता है जगह डिवाइड होता है 175 अपॉन 10 x इज इक्वल टू इसको डिवाइड कर देंगे 17.5% ओके ये हो जाएगा बेटा। अब इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसका होमवर्क दे देता हूँ।
टू योर सेल्फ। आपको करना है थर्ड में 8 आवर्स ऑफ 2 डेज। 1 डेज में आपको पता है कि 24 आवर होता है, तो 2 डेज में 48 आवर हो जाएगा। बस 48 आवर चेक करके फाइंड कर लेना। 160 meters of 4 kilometers. 1 kilometer is equal to 1000 meters. Therefore, 4 kilometers is equal to 4000 meters. तो 4000 meter पे ही हमको find कर लेना है, ठीक? इसमें क्या करेंगे? 48 multiply x upon 100 is equal to 8 hours. ठीक, 8 हो जाएगा। और इसमें क्या करना रहेगा? इसमें ये करना रहेगा 4000 multiply x upon 100 is equal to 160. सॉल्व कर लेना होगा। इसके बाद है 6.25 पैसे ऑफ ₹4। इसमें क्या करेंगे? 1 rupee इज इक्वल टू 100 पैसे, therefore 4 rupees is equal to 400 पैसे। तो 400 multiply x upon 100 is equal to 25। बस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे और परसेंट सिंबल रिप्रेजेंट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बेटा ये एक्सरसाइज यहीं पे आपकी फिनिश होती है, फिर नेक्स्ट डे से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।